हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। बीएससी सेकंड ईयर सिलेबस के अनुसार मैथमेटिकल फिजिक्स की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैथमेटिकल फिजिक्स के मेरे 28 लेक्चर्स आप लोग देख चुके हैं। आज ये लेक्चर 29th लेक्चर है। हम लोग फोर ईयर सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। फोर ईयर सीरीज़ क्या होती है, फोर ईयर सीरीज़ की क्या कंडीशंस हैं, तो ये मैंने पिछले दो लेक्चर्स में आपको बताया था कि फोर ईयर सीरीज़ एक फंक्शन के लिए है, एक फलन के लिए है। इस तरह के जो फलन जटिल फलन होते हैं और ये आवर्ती फलन है, जटिल फलन और आवर्ती फलन है, जटिल भी हैं, जटिल हैं। इनके अलावा दीज आर द सिंगल वैल्यूड, यानी कि एक मानी फलन है। फाइनाइट हैं, यानी कि परिमित इनका मान होता है। इस तरह के ये फलन हैं और इन फलनों के जैसे उदाहरण म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से उत्पन्न होने वाली ध्वनि है, तो वो ध्वनि सतत रूप से ध्वनि के रूप में क्रिएट होती है, लेकिन वो फंक्शन अपने आप में एक जटिल फलन होता है। तो इस तरह के फलन अगर हैं, इनकी नाम एक दिया जाता है डिरिचलेट, तो वो कल मैंने आपको बताया था। इस तरह के फलनों को हम एक श्रेणी के रूप में, अनंत श्रेणी के रूप में एक्सपेंड कर सकते हैं, और ये अनंत श्रेणी आवर्ती फलनों से मिलकर बनी होती है। आवर्ती फलनों में कॉस का फलन होता है और साइन के फलन होते हैं। तो ये फोर ईयर सीरीज की मैं जब बात करता हूँ, तो फोर ईयर सीरीज एक इस तरह के जटिल फलन की सीरीज है और इसकी वैल्यू होती है ए जीरो अपॉन टू प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये एक फोर ईयर श्रेणी है और ये श्रेणी, इसके बारे में मैं डिटेल पिछले दोनों लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। विद्यार्थियों, आज की इसकी एप्लीकेशन देखें अपन, तो एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन है स्क्वायर वेव, यानी कि वर्गाकार तरंग। ये आज की हमारा टॉपिक है, वर्गाकार तरंग। अब ये इस तरह की तरंग है और ये कंटिन्यू आगे समय के सापेक्ष या दूरी के सापेक्ष, कला के सापेक्ष ये आगे बढ़ती चली जा रही है। आप सारे विद्यार्थी इस तरह की तरंगों से तो भलीभांति परिचित हैं। ये एक सिंपल साइन की तरंग है, इसको हम साइन फलन से निरूपित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसी में मैं थोड़ा सा वेरिएशन कर देता हूँ इस तरह से, ये तो ये भी एक सेम उसी तरह की तरंग है, लेकिन ये कॉस के रूप में निरूपित की जाती है। ये यहाँ से शुरू होती है, जीरो पर इसका मान अधिकतम होता है, जबकि पहले साइन में जीरो पर जीरो मान होता है। लेकिन ये आज जो हम देख रहे हैं, ये एक जटिल फलन के रूप में है। इसमें स्क्वायर वेव है, ये एक वर्गाकार तरंग है और इस वर्गाकार तरंग की हाइट एच हाइट, आधा आवर्त इसका एच हाइट के लिए कंप्लीट एक वर्ग के रूप में होता है और शेष आधा आवर्त इसका माइनस एच हाइट के रूप में होता है। ये डिस्टेंस इसकी जो है, ये माइनस एच डिस्टेंस है जो यहाँ पर हमने शो की। तो ये इस तरह की तरंग को हम वर्गाकार तरंग कहते हैं। इस वर्गाकार तरंग को हम कैसे निरूपित करें, तो इसमें हम ये देखते हैं कि जीरो से पाई के बीच में, तो यहाँ डेफिनेशन अगर हम दें एफ एक्स फलन की, तो एफ एक्स फलन इज इक्वल टू प्लस एच, जबकि एक्स का मान जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में एफ एक्स फलन का मान एच के बराबर। इसके अलावा एफ एक्स फलन ये माइनस एच है, जबकि एक्स का मान माइनस पाई से जीरो के बीच में है, यानी कि इट इज माइनस पाई टू जीरो। ये
इस वर्गाकार तरंग की डेफिनेशन हुई। ये डेफिनेशन समीकरण नंबर सेकंड के रूप में मैं इसको निरूपित करूंगा। तो ये वर्गाकार तरंग की एक डेफिनेशन है, इस तरह की वर्गाकार तरंग है। विद्यार्थियों एक चीज और इसमें टेस्ट कीजिए आप कि क्या मेरा ये जो एफ एक्स फलन है ये फलन ऑड फलन है अथवा इवन फलन है, यानी कि सम है या विषम फलन है, ये भी हमें टेस्ट करना है। और सम और विषम फलन के बारे में हम ये जानते हैं कि मान लिया जाए कि कोई फलन एफ एक्स है और इसमें स्पेस इन्वर्जन किया जाए, दिग परिवर्तन किया जाए। दिग परिवर्तन का अर्थ होता है कि एक्स कन्वर्ट्स इनटू माइनस एक्स, देन व्हाट हैपेंस, फिर इस फलन में क्या अंतर आएगा। तो यहां पर मैं ये देखता हूं कि एफ माइनस एक्स का मान इस समीकरण के मुताबिक, अगर मैं माइनस एक्स में जाता हूं, एक्स के पीछे जाता हूं, इधर जीरो के पीछे जाता हूं, माइनस एक्स इधर होगा, तो इधर आकर के एफ एक्स फलन की वैल्यू माइनस एच होती है, ये माइनस एच होती है, जबकि एफ एक्स की वैल्यू होती है प्लस एच। इसका मतलब ये माइनस एच होने का मतलब माइनस एफ एक्स, और ये प्रॉपर्टी एक ऑड फलन की प्रॉपर्टी होती है, विषम फलन की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हमारा फलन एफ एक्स एक विषम फलन है। विषम फलन, सम फलन के केस में ये माइनस चिन्ह नहीं होता है। एफ एक्स, एक्स का मान अगर हम माइनस एक्स भी रखें तो एफ एक्स में कोई चेंज नहीं होता है, ये माइनस चिन्ह आया, माइनस चिन्ह नहीं होता, तब ये सम फलन होता, लेकिन अब हमारा ये विषम फलन है। और विषम फलन के केस में ये हमारी जो सीरीज है, श्रेणी है, इस श्रेणी में ए जीरो, ए एन और बी एन, दीज आर द फोरियर कॉन्स्टेंट्स। ये फोरियर कॉन्स्टेंट्स विषम फलन के लिए ए के मान हमेशा जीरो होते हैं, विषम फलन के लिए ए के मान हमेशा जीरो होते हैं, और ये मान जीरो नहीं होता, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकालना। ये वैल्यू ए जीरो एंड ए एन, ये वैल्यू जीरो होती है, इनकी वैल्यूज हम चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आप लोग भी इनको घर पे देखें, अलग से कैलकुलेट करके देखें। मैं ए जीरो के लिए, जैसे ए वैल्यू के लिए मैं इसको हल करके आपको बताऊं, तो ये ए जीरो का मान हम लोगों ने कल कैलकुलेट किया था, ए जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन पाई माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये ए जीरो का मान होता है। एफ एक्स का मान रखें अपन, तो इसके लिए वन अपॉन पाई इंटू इंटीग्रेशन माइनस पाई से जीरो एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो से पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये वैल्यू वन अपॉन पाई इंटू, पहले टर्म में इस एफ एक्स का मान माइनस पाई से जीरो के बीच में, माइनस पाई से जीरो के बीच में इसकी वैल्यू माइनस एच है, तो माइनस एच जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लिया, और ये वैल्यू पुट की मैंने फिर डिफरेंशिएशन की डी एक्स, तो ये डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस पाई से जीरो प्लस, इधर जीरो से पाई के बीच में इसकी वैल्यू एच, तो एच इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और ये जीरो से पाई, वैल्यू पुट करते हैं हम। तो यहां से जब वैल्यू मैं पुट करूंगा जीरो की वैल्यू, तो जीरो और माइनस पाई की वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो माइनस एक चिन्ह तो ये और एक माइनस का यहाँ पे चिन्ह आएगा, माइनस माइनस प्लस पाई हो जाएगा। इसी तरह से यहां पाई और दूसरी चीज जीरो, तो ये प्लस की पाई होगी, ये भी प्लस का पाई, लेकिन इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस एच पाई और ये प्लस का एच पाई, दैट बिकम्स जीरो, इसलिए जीरो। तो मैंने आपको बताया था कि ए जीरो का मान जीरो होता है, ऐसे ही ए एन का मान भी जीरो ही होता है। तो ये सारे ही एप्लीकेशन में आप लोग याद रखें कि विषम फलन होता है तो
कॉन्स्टेंट्स में ए और एन ये दोनों जीरो होते हैं, और जब सम फलन होते हैं तो बी एन जीरो होता है, ए और जीरो और ए एन जीरो नहीं होते। तो ये इसमें एक शॉर्टकट है, आपको याद होना चाहिए। नाउ कैलकुलेशन फॉर बी एन, बी एन की कैलकुलेशन हम देखें। कल हमने इसका फॉर्मूला कैलकुलेट किया था और इसकी वैल्यू जो आई थी बी एन की वैल्यू, बी एन इज इक्वल टू वन अपॉन पाई माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ये सूत्र हम लोगों ने कैलकुलेट किया था बी एन कॉन्स्टेंट्स के लिए। इसको भी हम एफ एक्स की वैल्यू जो समीकरण दो है इससे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यह आ जाएगा वन अपॉन पाई इन, दोनों टुकड़ों में हम इसको तोड़ेंगे तो माइनस पाई से जीरो एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स प्लस दूसरी टर्म होगी जीरो से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, ये दूसरी टर्म होगी। तो दोनों टर्म्स को हमने इसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद में फिर इसको हम हल करते हैं मैथमेटिक्स के आधार पर। ये वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट की एफ एक्स की, मीन्स बी एन इज इक्वल टू वन अपॉन पाई इन इंटीग्रेशन माइनस पाई से जीरो एफ एक्स, माइनस पाई से जीरो एफ एक्स की वैल्यू माइनस एच, तो ये माइनस एच इंटू साइन एन एक्स डी एक्स प्लस जीरो से पाई इन एफ एक्स की वैल्यू, यहां जीरो से पाई में ये एच के बराबर है तो ये एच इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू आएगी। और यहां से फिर इसको हम हल करने के लिए एक काम करते हैं कि इस पहले वाले पद में अगर मैं x के स्थान पर माइनस एक्स रख देता हूं तो यहां माइनस एक्स होगा, यहां माइनस एक्स होगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये जब इंटरचेंज हो जाएंगे तो ये वाली टर्म, पर्टिकुलर इस वाले टर्म की मैं बात कर रहा हूं, तो इस टर्म में अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूं तो जीरो से माइनस पाई हो जाएगा एक चीज, दूसरी चीज माइनस एच यथावत रहेगा, साइन एन के स्थान पर माइनस एन एक्स इंटू डी माइनस एक्स, ये हो। इसमें माइनस के एक चिन्ह, माइनस दूसरा साइन, चूंकि साइन माइनस भी माइनस होता है तो ये माइनस का दूसरा चिन्ह माइनस माइनस प्लस हो, और तीसरा एक माइनस ये है इसलिए ये माइनस रहेगा, और इस माइनस से ये माइनस अगर मैं इसको खत्म कर देता हूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये मेरे पास में जीरो से पाई एच इंटू साइन एन एक्स डी एक्स ये रहेगा, और ये वाली टर्म वही है जो सेम ये वाली, मीन्स इस टर्म का और इस टर्म का दोनों का मान बिल्कुल बराबर है, और दोनों का मान बराबर है तो इसको हम डबल कर देंगे, और डबल करने का मतलब है कि यहां पर ये रिजल्ट जो मेरे पास में आएगा डबल होकर के आएगा, यानी कि बी एन इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई एच इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, ये मान यहां एच कॉन्स्टेंट है इसको बाहर लेंगे तो ये 2 एच अपॉन पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एन एक्स डी एक्स। नाउ साइन एन एक्स इसका डिफरेंशिएशन हम सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आएगा 2h अपॉन पाई यथावत इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो ये माइनस में चिन्ह माइनस चिन्ह को बाहर ले लेता हूं, यहां पर ये माइनस चिन्ह पहले ही ले लिया, और ये कॉस एन एक्स अपॉन एन जीरो से पाई, ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की माइनस 2h अपॉन पाई एन को भी बाहर ले लेते हैं, एन इधर आ जाएगा, और अब हमारे पास में कॉस एन एक्स है। इस कॉस एन एक्स में वैल्यू में पुट करता हूं तो कॉस
एन एक्स का मतलब पहली टर्म होगी कॉस एन पाई माइनस जीरो, कॉस जीरो का मान हमेशा एक होता है, ये माइनस को अंदर ही ले लें तो ये आ जाएगा टू एच अपॉन एन पाई इंटू वन माइनस कॉस एन। ओके, अब मेरे पास में ये वैल्यू, यहां विद्यार्थियों अगर मैं एन की वैल्यू पुट करता हूं, चूंकि मेरे पास में समेशन में था एन इज इक्वल टू, समेशन जो था एन इज इक्वल टू एक से इंफिनिटी, यानी कि एन की वैल्यूज एक से अनंत तक की वैल्यू है। इस एक से अनंत तक की वैल्यूज में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं वन थ्री फाइव एंड सो, तो उस स्थिति में कॉस पाई एक रखा मैंने मान, तो कॉस पाई का मान माइनस वन माइनस ये होगा, इसमें इसमें इंक्लूड हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये इंक्लूड हो जाएगा। थ्री रखता हूं मैं तो भी ये माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस होकर के ये इंक्लूड हो जाएगा इसके साथ, तो उस स्थिति में तो ये वैल्यू हो जाएगी फोर एच अपॉन एन। लेकिन यदि मैं एन इज इक्वल टू टू फोर सिक्स ये रखता हूं मान, तो उस स्थिति में ये बी एन की वैल्यू टू एच अपॉन एन पाई इंटू वन माइनस कॉस टू पाई की वैल्यू वन होती है, कॉस फोर पाई की वैल्यू वन, कॉस सिक्स पाई की वैल्यू वन, मींस इट विल बी वन, सो इट बिकम्स वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो वी हैव ओनली द टर्म्स फॉर द वैल्यूज ऑफ एन इन ऑड नंबर्स, यानी कि एन के अगर विषम मान होंगे तो हमें बी एन का मान प्राप्त होगा, अदरवाइज तो बी एन का मान शून्य होगा सब मानों के। इसका मतलब यह है कि हमें बी एन की वैल्यू 4h अपॉन एन पाई प्राप्त हुई है, और वो भी विषम मानों के लिए, ये जो प्राप्त हुई है इसमें n के मान 1, 3, 5 एंड सो ऑन ये होंगे, मीन्स ये वैल्यूज बी एन। अब समीकरण एक में बी एन ए जीरो ए एन के मान रखने पर वापस आओ, जिससे फोरियर सीरीज प्राप्त करें, तो यहां पर विद्यार्थियों ये हमने देखा कि ए जीरो और ए एन इन दोनों के मान तो जीरो के बराबर है, क्योंकि हमारा जो फलन था वो विषम फलन है और उसको मैंने आपको हल करके भी बताया था ए जीरो। बी एन की वैल्यू मेरे पास में ये आई है और ये भी विषम मानों के लिए। समीकरण एक था एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो अपॉन टू प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू वन से इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, इसमें ये टर्म जीरो हो गई, ये वाली टर्म भी जीरो हो गई, और इस टर्म में ये मान ये रहेगा विषम मान, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू मुझे मिलेगा सिग्मा एन इज इक्वल टू वन थ्री फाइव, केवल ये मान रहेंगे, और बी एन की वैल्यू फोर एच अपॉन एन पाई इंटू साइन एन एक्स, ये मेरे पास में वैल्यू आएगी, और इस वैल्यू से अगर मैं इन सबको एक्सपेंड करूं तो ये मुझे रिजल्ट आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू वन रखा मैंने मान, तो फोर एच अपॉन पाई सब में कॉमन रहेगा, यहां पर वन आएगा और ये साइन एक्स पहली टर्म होगी, प्लस थ्री रखेंगे हम वैल्यू तो साइन थ्री एक्स अपॉन एन की वैल्यू थ्री, प्लस फाइव रखेंगे तो साइन फाइव एक्स अपॉन फाइव प्लस एंड सो ऑन, सो इट विल बी द फोरियर सीरीज ऑफ गिवन स्क्वायर। यह है
दी गई वर्गाकार तरंग का फूरिये श्रेणी। तो इट विल बी द फूरियर सीरीज ऑफ फूरियर स्क्वायर वेव। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशन हैं, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर या साटूथ वेव आरादंती तरंग। आरे के जो दांत होते हैं, आरा जो जिससे लकड़ी को काटा जाता है, तो उसके दांत। तो इस तरह की तरंगों हैं, तो इन तरंगों के भी ये कॉम्प्लेक्स फलन होते हैं और इनके हम फोरियर सीरीज ज्ञात कराएंगे। तो वो मेरे अगले लेक्चर्स में होगा। धन्यवाद।